सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, आज मैं आप लोगों को मेरठ साउथ का स्टेशन दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हो यहां पर डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आगे नाला है मोदी नगर का, तो ये यहां से थोड़ा सा कर्व ले लेगा लेफ्ट में दोस्तों। और उसी के ऊपर आपको बता दूं कि स्टील के गाटर द्वारा इसका बायोडक्ट बनाया गया। देख सकते हो ये चार स्टील के गाटर हैं और नीचे ये नाला है दोस्तों, दिखाई दे रहा है नाला है। ये कर्व ले लेता है और कर्व लेने के बाद में फिर ये बीच वाले डिवाइडर पर आ जाएगा दोस्तों रोड के। तो ऐसे ही एक डिवाइडर और अभी आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर ये छोटी सी कैनाल है मोदी नगर, जब निकल जाते हैं दोस्तों वहाँ से मोदी नगर एंड हो जाता है दोस्तों। तो चलते हैं और आप लोगों को आज इसी वीडियो में दिखाते हैं कि मोदी नगर में और मेरठ साउथ में क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस दिल्ली मेरठ आरा ITS कॉरिडोर का दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस पर डे केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता है और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो ये थोड़ा सा कर्व लेने लगा है, नहीं लेने लगा है, तो आगे और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर भी इन्होंने स्टील के गाटर द्वारा बायोडक्ट को जोड़ा है दोस्तों। आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और जो अभी यहाँ पर जो ऊपर बायोडक्ट के ऊपर जो काम किया जा रहा है दोस्तों, एक तो ये देखो पैराफिट वॉल लगाए जा रहे हैं, पैराफिट वॉल लगाए जाने के बाद में इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। और अभी इसमें साइडों में रेलिंग भी लगाई जाएगी, रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इसमें आपको बता दूं, देखो डिवाइडर तो इन्होंने पहले ही लगा दिए थे, अब इसमें क्या चल रहा है, इसमें अब ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं और ट्रैक स्लैब बिछाने देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। इस पर इलेक्ट्रिक सिटी के अभी खंभे लगाए जाने हैं, अभी नहीं लगे हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। फिर उसके ऊपर खंभे के ऊपर दोस्तों ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा और उसके बाद में लास्ट में इस पर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और आप लोग बताओ मुझे नीचे कॉमेंट करके कि केपी संत के आप सभी को वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ख़राब लगते हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मेरे बोलने में गलती हो रही है, शूट करने में गलती हो रही है, वो सब आप लोग बता सकते हो। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मेरी समझ में क्या आएगा। मेरा तो सिद्धांत यही है कि भाई काम आपको दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ वर्क चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है, वो मैं दिखाता रहता हूँ। लेकिन जो मेरी गलती है वो तो आप ही सभी बताएंगे दोस्तों, कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, बोलने में या लिखने में या जो भी है जैसा भी है, आप मुझे नीचे कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बता सकते हो। तो देख सकते हो अभी चलते चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि एक तो आपको EDFC ये दिल्ली मेरठ RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों, देख सकते हो। दूसरा ये अब यहाँ पर कर्व ले लेगा तो यहाँ पर भी आप लोगों को डबल पिलर देखने के लिए मिलेगा और स्टील के गाटर द्वारा यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो ये मोदी नगर बिल्कुल हम क्रॉस कर चुके हैं हम दोस्तों। और यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी सी कैनाल है, उसी कैनाल को क्योंकि बीच में ब्रिज आ रहा है उसका कैनाल का, तो इसी वजह से थोड़ा सा कर्व ले लेता है और यहाँ पर काम हो गया, देख सकते हो फिनिशिंग का काम किया जा रहा है आप सभी के सामने, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों। और आप लोग बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसे लगते हैं केपी संत के द्वारा दोस्तों। दिल्ली मेरठ RRTS दोस्तों देख सकते हो ये EDFC को क्रॉस कर रही है जो कि दादरी से और लुधियाना जाएगी दोस्तों।
तस्वीरें देख सकते हो। और जैसे ही हम आगे क्रॉस करेंगे तो देख सकते हो अभी ये सेटिंग लगी हुई है यहाँ पर, अभी मतलब कि फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले ये लॉन्चर लगा हुआ था जो कि मैंने आप सभी को दिखाया था यहाँ का वीडियो, और आप सभी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँ, अब जो आप सभी लोग जाके देख लेना। देख सकते हो ये बीच का डिवाइडर बना दिया इन्होंने, अभी देखो ये उधर बना दिया, इधर ये देख सकते हो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं आपके सामने दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरठ साउथ का स्टेशन आने वाला, और उस पर बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, क्योंकि 2025 में इस रूट पर आपको बता दूं रैपिड रेल चलाई जानी है, वो भी 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों, मेरठ से लेकर और आपके दिल्ली के सरायकाले खां तक जाएगी दोस्तों। और आपको बता दूं कि इस रूट पे 82 किलोमीटर के पार्ट में दोस्तों, अब 82 किलोमीटर के रूट में दोस्तों दिल्ली के सरायकाले खां से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक दोस्तों ये आपको बता दूं 45 मिनट में पहुंचाया करेगी। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन बनाई जा रही है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो भी चलाई जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड पे ये देखो ये आ गए है ना, ये डिवाइडर बनाने का काम स्टार्ट हो गया है, और ऊपर आपको बता दूँ कि गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पर, और आगे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है दोस्तों रैपिड रेल का। तो आप लोग आगे चल के देखो कि कितना ही तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। ये देखो सारे में ही कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि उधर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है तो इस वजह से देखो वो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है ना ऊपर, तो उसी वजह से ये मशीन खड़ी हुई है। देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में अब फ्लोरिंग की तैयारी की जा रही है, तो इधर भी अभी गाटर डाले जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का स्टेशन जो मेन स्टेशन है वो दोस्तों। देख सकते हो क्योंकि कौन कोच लेवल का है तो काम हो चुका है, फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है, अब इसमें दीवारें उठाई जा रही हैं चारों तरफ से, और आपको बता दूं कि स्टेशन लेवल का अभी काम किया जा रहा है, जिसमें से आपको बता दूं पिलर उठा के और गाटर बनाए जा रहे हैं, मतलब कि हाँ वही बीम डाले जा रहे हैं, और बीम डाल देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फ्लोर किया जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा देख सकते हो, क्योंकि ऐसा ही अभी काम चल रहा है, तो इधर थोड़ा सा आपको क्या है दोस्तों, इधर थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रायोरिटी सेक्शन में ही तेज़ी के साथ में काम करवा रहे हैं, क्योंकि अगले महीने में इन्हें रैपिड रेल चलानी है दोस्तों, क्योंकि 17 किलोमीटर का पार्ट है साहिबाबाद से लेकर और दुहाई तक। गाइस ये है मेरठ साउथ का स्टेशन, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी चलते हैं उधर की साइड में और आपको दिखाएंगे ये कौन कौन से लेवल का, तो देखो काम कंप्लीट हो चुका है, अब प्लेटफॉर्म लेवल का काम किया जा रहा है इस मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हो ये सेटरिंग लगी हुई है और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, जो साइड में बीम डाला जा रहा है, बीम डालने के बाद में फिर काम किया जाएगा। देख सकते हो ये तस्वीर है, कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये साउथ का मेरठ साउथ का स्टेशन दोस्तों, जिस पर अभी ये देख सकते हो ये भी इन्होंने अभी बनाया है जल्दी में ही। ये देखो कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन है मेरठ साउथ का दोस्तों, तो अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों, क्योंकि इसके आर्म्स को बाहर ये आर्म्स बनाए गए हैं दोनों, नीचे का भी ऊपर का भी, तो ऊपर का अभी जल्दी में ही बनाया गया है, तो इस पर सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों। देखो सारे ही आम तो अभी बनाए गए, स्टैंड किया गया है इनको, और देखो ये सेफ्टी वायर है इनके ही थ्रू, ये जो सेगमेंट जोड़े जाते हैं वो इनके ही थ्रू जोड़े जाते हैं, और ये केबल बहुत हार्ड होती है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर गाइस, देख सकते हो वो टीम लगी हुई है वहाँ पर वर्क करते हुए, तो यही नज़ारे हैं। आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को।
दोस्तों अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को किस तरीके से ये RRTS रैपिड रेल क्रॉस करेगी। दोस्तों देखो सेटिंग सब में लगी हुई है और इस पर आपको बता दो प्लेटफॉर्म लेवल का काम किया जा रहा है, जिसकी कौन कौन से लेवल की फ्लोरिंग सारे काम हो गए हैं फ्लोरिंग का दोस्तों। और आपको बता दूं दीवारें ये उठाई जा रही हैं बीच बीच में जो कौन कौन से लेवल की हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। और आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद वहाँ फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, देखो आप लोग अपनी आँखों से। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों देखो ये सारे बीम बन गए हैं, बीम बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और देखो इनकी फैक्ट्रिंग अब उतारी जा रही है, अब इन पे गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इसमें फ्लोरिंग का काम किया जाता है। और वो आपको बता दूं कि आगे आप लोगों को बता दूं कि लॉन्चर भी यहाँ पर स्टैंड कर दिया है इन्होंने, लॉन्चर को भी देख लो ये स्टैंड कर दिया। अब ये जाएगा सीधा प्रतापपुर की साइड में जोड़ता हुआ बायोडक्ट को दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को सेगमेंट द्वारा। ये ही लॉन्चर ये सेगमेंट को उठाता है ट्रक में से और फिर ये ऊपर ले जाता है खिंचका के एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों। इस तरीके से ये जोड़ता चला जाता है एक पिलर से दूसरे पिलर को। आपको बता दूं एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। और ये आ चुका है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसको क्रॉस करेगी रैपिड रेल दोस्तों। और इस पर आपको बता दूं स्टील के गाटर इस पर रख दिए हैं, इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यहीं आकर ख़त्म हो जाता है प्रतापपुर में। तो यहाँ से ऊपर दिल्ली के लिए जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों और ऊपर चढ़ जाएंगे। और अगर हम बिल्कुल सीधे जाते हैं तो आपको बता दूं कहाँ हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ से राइट में जाएंगे तो दोस्तों हम मेरठ सिटी के लिए अंदर पहुँच जाएंगे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो हम चल रहे हैं ऊपर, ऊपर से भी आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के पल्ली तरफ देख सकते हो वो RRTS के पिलर देखने के लिए मिलेंगे। और आपको बता दूं कि जो नज़ारे हैं यहाँ वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया हुआ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, तो इसी वजह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वो देखो RRTS क्रॉस करेगी रैपिड रेल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, जो कि पिछले साल ही बन के कम्प्लीट हुआ था दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।